हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं वन्ना। आज हम दो ड्रिंक्स बना रहे हैं जो झट से तैयार हो जाते हैं। तो शुरू करते हैं। वाटरमेलन ड्रिंक बनाने के लिए हमें चाहिए पुदीने की कुछ पत्तियाँ, चीनी और वाटरमेलन पीसेस और काला नमक। अब हम एक ग्राइंडर जार ले लेंगे, उसमें हम वाटरमेलन के पीसेस डाल लेंगे। मैंने सीड निकाल लिए थे, आप चाहें तो सीड के साथ भी डाल सकते हैं। अब डाल देंगे इसमें पुदीने की कुछ पत्तियाँ। अब इसमें 2 चम्मच चीनी के डालूंगी और हमें थोड़ा सा काला नमक डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़ा सा ही डालना है। और चुटकी भर हम भुना हुआ जीरा डालेंगे और इन सब को हम अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। देखिए ये ब्लेंड हो गया है। अब इसको मैं छान लूँगी ताकि जो इसमें सीड कोई होगा और कुछ थोड़ा मोटा सा मटेरियल रह जाता है वो अच्छे से छन जाएगा। इस तरह से देखिए कितना इसमें बच गया था। अब एक गिलास ले लेंगे, उसमें 2-3 आइस क्यूब डाल के आप अपना ब्लेंड किया हुआ सारा जूस इसमें डालिए। अब इसे हम गार्निश कर लेंगे। गार्निश करने के लिए थोड़ा सा भुना हुआ जीरा स्प्रिंकल किया है, थोड़ा सा चाट मसाला स्प्रिंकल किया है और मैं एक पुदीने की पत्ती इस पे रख रही हूँ और चकोर कटा हुआ वाटरमेलन। इस तरह से आपका वाटरमेलन ड्रिंक तैयार है। दूसरा ड्रिंक है शिकंजी। शिकंजी बनाने के लिए हम ब्लेंडिंग जार में 2-3 आइस क्यूब डाल लेंगे। अब इसमें हम 2 बड़े चम्मच नींबू का रस डालेंगे। अब इसमें हम थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट डालेंगे। अब इसमें हम 2-3 चम्मच शुगर डाल देंगे और हम इसमें भुना हुआ जीरा डालेंगे और इसमें चिल्ड वाटर ऐड करेंगे और इन सब को ब्लेंड कर लेंगे। हम थोड़े से पुदीने की पत्तियां लेंगे और 2-3 नींबू स्लाइसेस ले लेंगे। इनको हम थोड़ा मैश कर लेंगे ताकि नींबू का जूस और जो पुदीने की पत्तियों का थोड़ा सा जूस जो है वो निकल जाए। इस तरह से हम इसको मैश कर लेंगे। अब इसको हम एक गिलास में डाल देंगे, 2-3 हम आइस क्यूब डालेंगे और हम ब्लेंड किया हुआ अपना जूस डालेंगे इस तरह से। अब इस पर हम थोड़ा सा भुना हुआ जीरा स्प्रिंकल करेंगे, थोड़ा सा चाट मसाला स्प्रिंकल करेंगे और इसे गार्निश कर लेंगे एक नींबू स्लाइस के साथ और पुदीने की पत्ती के साथ। इस तरह से आपका ठंडे ठंडे 2 ड्रिंक्स तैयार हैं। आप खुद भी पिए और अपने गेस्ट को भी पिलाइए। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और हमेशा मुस्कुराते रहें।